हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत श्री जम्वा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1, जिसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम यहां देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपको 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनको। सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर को चेक करते हैं। अगर उसकी पावर क्या है, होल नंबर है अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ आ रही है तो पॉलिनोमियल होगा। और फिर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल एक से ज्यादा है तो हम बोल देंगे कि वो वन वेरिएबल वाला नहीं होगा। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चंस को हम करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन ये ना, देखो यहाँ x की पावर 2 है या 1 है या कुछ भी नहीं है, यानी 0 है और वेरिएबल हर जगह का x ही यूज हुआ है, तो बोल सकते हैं कि ये वाला क्या है, पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल वाला भी है। दूसरे में देखो यहाँ वेरिएबल y है और यहाँ कॉन्स्टेंट √2 है, कॉन्स्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावर 2 है यानी कि पॉलिनोमियल भी है और केवल एक ही y वाला वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर में रैखिक समीकरण है। कारण हमने बता ही दिया कि भाई एक ही वो है, पहले तो ये बता दिया कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद में हमने ये बता दिया कि इसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। तो यहाँ देखो यहाँ t की पावर कितनी है, 1/2, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो हमें वेरिएबल को देखना ही नहीं है कितने वेरिएबल है कितने वेरिएबल नहीं है। यहाँ देखो y जब ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 होगी, तो ये भी नहीं हो सकता पॉलिनोमियल, तो ये दोनों वन वेरिएबल वाले तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो आगे देखो यहाँ ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि सभी वेरिएबल की पावर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से आगे जाएगा, उन्हीं में से कुछ होगी, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो क्या है, एक से ज्यादा है, तो ये भी क्या है, लीनियर मतलब कि पॉलिनोमियल तो है वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल कोई पूछे कि ये पॉलिनोमियल है क्या, ये पॉलिनोमियल है क्या, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है क्या, यानी कि एक चर वाला बहुपद है क्या, तो वो नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें सभी क्वेश्चंस के अंदर से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देख के लिखने हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके साथ गुणा में कुछ भी नहीं है, तो हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर और लेक्चर नंबर 1 में भी कि जो जहां गुणा में कुछ भी नहीं है वो क्या होता है, 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, गुणा में -1 लिख सकते हैं इसको क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका कोफिशिएंट कितना, -1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना, π/2 है। उसी तरीके से यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे मान सकते हैं कि 0 × एक्स स्क्वायर वाला कभी टर्म रहा होगा तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। तो ये भी ध्यान रखना, अगर कोई टर्म है नहीं जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा कितना लेना, हमारे को 0 लेना है। अब देखते हैं हम एग्जाम मतलब क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या बोला है कि मेरे को एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो जिसकी डिग्री तो कितनी हो, 35 हो और उसका क्या हो, बाइनोमियल हो, यानी कि दो टर्म वाला होना चाहिए, दो पदों वाला होना चाहिए। तो अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने x की पावर 35 बना दी और दूसरा टर्म कुछ भी रख दिया, हमारे मन से 7 रख दिया, हाईएस्ट पावर 35 रख ली थी, उसकी डिग्री कितनी है, 35 है। उसी तरीके से एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। जैसे कि मैंने मान लो मैंने बना लिया, वाई पावर कितना हो गया, 100 हो गया, इसके मल्टीप्लाई में भी कुछ रख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, देखो एक ही टर्म देख रहा होगा, तो ये क्या है, मोनोमियल है और डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर कितनी है, 100 दिखी होगी। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें डिग्री चेक करनी है हमें इन पॉलिनोमियल्स की। तो डिग्री क्या होती है, जो भी वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। तो देखो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, एक्स की पावर 3 है या 2 है या 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ देखो यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल कितना है, y है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ देखो t की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो t की पावर 0 हो गया, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और ये देखो इसी का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिखा है मैंने, 3 है, 3 क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है और जिसकी डिग्री क्या होती है, यहाँ हम एक्स की पावर 0 मल्टीप्लाई में मान सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है, इनको क्लासिफाई करना है अलग अलग कैटेगरी बना के। तो
तो देखो इसके क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे पहला वाला पॉलिनोमियल देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 2 है, इसके बाद है तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, और लीनियर की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट कितना है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3, तो ये क्या है, क्यूबिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। यहाँ देखो पावर 1 है या 2 है या कुछ भी नहीं है, हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, अर्थात ये भी द्विघात होगा। यहाँ 1 यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो यह क्या होगा, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। उसी तरीके से यहाँ भी पावर कितनी है, टी की वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर होगा। यहाँ पावर 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और यहाँ पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। अगले वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।